असल डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ मोहम्मद उस्मान आप लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल फिज़िक्स माई यूट्यूब चैनल क्लास नाइन्थ फिजिक्स बलुचतान बोर्ड चैप्टर नंबर थ्री नोमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग तीन कर चुके थे इस चैप्टर नंबर थ्री के फोर्थ नोमेरिकल प्रॉब्लम है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फाइव के जी इज़ मूविंग विद विलासटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड एक मास है इतनी विलासिटी से मूव कर रहा है अ अकस्टेंट फोर्स इट्स फॉर फॉर सेकेंड Uh, इस पे एक फोर्स uh, अप्लाई करते हैं फोर सेकेंड के लिए एंड रिड्यूस इट्स विलस्ट टू मीटर पर सेकेंड आप लोग जानते हैं कोई चीज अगर मूव कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए या इसको मूव करवाने के लिए अप्लाइट करते हैं फोर्स की वैल्यू सो फोर्स अप्लाई किया गया फाइंड द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ फोर्स सो मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी बिफोर एंड आफ्टर यू कैन से फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास वेल एज विलोसिटी सो हमारे पास दो विलासिटी है मास तो सेम रहेगा विलासिटी चेंज हो गई है तो मोमेंटम भी डेफिनेटली चेंज होगा तो हमारे पास क्या है मास की वन है मास मास है हमारे पास टेन के जी सॉरी मास है हमारे पास टेन के जी और विलासिटी है इनिशियल विलासिटी का नाम दे दो इनिशियल विलासिटी का नाम दे दो अगर लिखना चाहते हो तो लिखो इनिशियल विलासिटी इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से डिनोट करेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है टेन मीटर पर सेकंड टेन मीटर पर सेकंड कोई ऑब्जेक्ट ठीक है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी है वी एफ विच इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी टू मीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड ठीक है क्या चीज इस पे टाइम की बात की है टाइम की बात कर लो या ना कर लो क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड में आ, यहां पर सॉरी मोमेंटम में कोई टाइम की बात हम लोग नहीं करते ठीक कितने सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई किया फोर, फोर सेकंड के लिए सो so, हम लोगों ने फाइंड करना है टू फाइंड दो चीजें कैलकुलेट करनी है टू फाइंड नंबर वन क्या है इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम मालूम करना है यानी बिफोर वाला इनिशियल मोमेंटम को पी आई पी वन से भी डिनोट कर सकते हैं कोई इशू नहीं ये चीज़ कैलकुलेट करना है और सेकंड पे हमारे पास क्या है सेकंड वन फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम यहां पर बिफोर भी लिख सकते हो इसको आफ्टर भी लिख सकते हो कोई इशू नहीं फाइनल मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं मोमेंटम को कैपिटल पी से तो इसके सब्सक्रिप्ट में लिख लेंगे क्या चीज एफ ठीक है सिर्फ मैं एक नजर देख लू तो के मुझे नजर आ रहा है कि नियर यस तो हमारे पास क्या है कैलकुलेशन uh, पे इज वी नो दैट कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में आप लोग जानते हैं इज वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं अभी देखें तो क्या चीज है हमारे पास इनिशियल मोमेंटम नंबर वन फर्स्ट में इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम को पी आई से और ये प्रोडक्ट है किस चीज का मास और इनिशियल वेलोसिटी का सो so, मास कितना था फाइव की जी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड सो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी 10 फाइव फिफ्टी किलोग्राम मास का यूनिट किलोग्राम है और विलास्टिक यूनिट मीटर पर सेकेंड है सो so, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू होगी सिमिलरली सेकेंड वन पे क्या हो कैलकुलेट करेंगे सेकेंड वन में हमारे पास फाइनल मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को आप पी एफ से डिनोट करते चीज को सॉल्व करना था हमने तो फाइनल मोमेंटम को पी एफ से पी एफ से डिनोट करेंगे सो मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास मास पी एफ मास की वैल्यू है टेन और वेलोसिटी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है कम हो जाती है टू तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास आएगी two tens are twenty, twenty kilogram meter per second. ये हमारे पास क्या होगा? ये इसकी वैल्यू होगी इनिशियल मोमेंटम की ये इनिशियल की है और ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम की वैल्यू है फिर रिपीट करते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 के है मूव कर रहे हैं जो इनिशियल वलासटी है वो टेन मीटर पर सेकेंड है और इसके बाद इस पर कोई फोर्स अप्लाई होता है और इसकी वालासटी को कम कर देते हैं रिड्यूस करते हैं टू मीटर पर सेकेंड फाइंड द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द अप्लीकेशन ऑफ फोर्स के मोमेंटम फाइंड आउट कर लो जब उसने फोर्स अप्लाई नहीं किया है यू कैन से कि इसकी विलासटी टेन है जब इस पे फोर्स अप्लाई करते तो इसकी विलासिटी रिड्यूस हो जाती है कम हो जाती है चेंज हो जाती है तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आएगी बिफोर वाली अपलिकेशन ऑफ़ फ़ोर्स की तो हमारे पास ट्वेंटी मीटर सॉरी ट्वेंटी फ़िफ्टी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसी तरीके से फ़ाइनल मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आप लोगों के जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम करीब होते जा रहे हैं तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है विदाउट दिस नोमेरिकल प्रॉब्लम क्योंकि नोमेरिकल प्रॉब्लम में इसके हमारे पास जिसके मैथमेटिक्स होते हैं इसके अगर सोल्व करेंगे तो हंड्रेड परसेंट नंबर मिलेंगे और सोल्व नहीं करेंगे तो ज़ीरो परसेंट नंबर भी मिल सकते हैं तो इन ताला आपको ईजी लगेगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर आगा कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा थैंक यू सो so मच